नमस्कार दोस्तों, सर्दियां जा चुकी हैं और अब आजकल बसंत ऋतु आ चुकी है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में जो कफ हमारे अंदर जमा होता है वो बसंत ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में जुखाम, खांसी, बुखार, छींके आना, गला खराब होना, कब्ज होना या पेट में भारीपन, अफारा होना, उल्टी को दिल करना या शरीर में दर्दें होना, ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए इस ऋतु में, बसंत ऋतु यानी मार्च और अप्रैल में, आपने क्या विशेष ध्यान रखना है, इस ऋतु में आपने गर्म पानी का सेवन ही करना है। गर्म पानी में हल्की सौंठ, सूखा अदरक भी आप डालकर ले सकते हैं। दिन को नहीं सोना है, हल्का खाना खाना है, ज़्यादा मीठा या तेल वाला या ज़्यादा भारी या खट्टा खाना आपने नहीं खाना है। दही का सेवन नहीं करना है। क्या क्या खाएं? हल्का खाना खाएं, गर्म पानी का सेवन करें और दिन को नहीं सोएं। इसी के साथ साथ व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, शरीर को थोड़ा कष्ट दें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। रात का खाना सूर्य छिपने से पहले ले लें। धन्यवाद।